I would just like to start by saying that Bakshak is based on true events, and it's a Bhumi Pednekar story, which gives a glimpse into a series, into an issue which is a real story, right? So I would like to know more on your journey in Bollywood and also on your role played in Bakshak. I'm comfortable in Hindi, so please go ahead in Hindi. Yeah, मैं हिंदी में अच्छे से बात अपनी शेयर कर सकूंगा आपको. बिल्कुल बिल्कुल बताइए. एक्चुअली मैं बिहार में एक प्लेस से आ रहा, वहां का रहने वाला हूँ, और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई. मेरी फैमिली एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, पूरी फैमिली मेरी. एक कॉलेज में एडमिशन के दौरान मेरी फैमिली ने मुझे थिएटर में डाला एडमिशन के लिए. एक्चुअली मार्क्स मेरे थोड़े कम थे और फैमिली चाह रही थी कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, तो उसके लिए थिएटर में डाला फैमिली ने मुझे. और खैर मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहाँ, लेकिन थिएटर अच्छा लगने लगा, एक्टिंग अच्छी लगने लगी चीजें. और दो साल के बाद पेरेंट्स ने कहा कि आप अब थिएटर नहीं करना आपको. तो एक रेवोल्यूशन वाली बात वहां से शुरू हुई कि ऐसे कैसे नहीं करना है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या खराबी है. इस तरह की बातें मन में आई और एक घर में एक डायलॉग, पेरेंट्स के साथ एक डायलॉग हुआ कि भाई क्यों नहीं कर, जो वहाँ की सोशल स्टेटस है वहाँ लोग, मतलब हर आदमी ये चाहता है कि आप लाइफ में कुछ जॉब करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस आईपीएस बनो. तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी चाह रहे थे अपने सोशल स्टेटस को देखते हुए कि ठीक है ये शौक की चीज है, इसको यहीं तक रहने दो. लेकिन काफी ऐसा नहीं था, मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी बात रखी. और एक काफी एक बहुत ही कोल्ड एक वॉर चला हमारे पेरेंट्स और मेरे के बीच में. और एक और फाइनली कुछ दिनों बाद उन लोगों ने बोला कि ठीक है तुम्हारा जब मन है कि यही करना है तो तुम करो, बट इसका सारा जिम्मा तुम्हें खुद लेना हो. तो ये फिर वही बात हो गई थी कि अरे ये ऐसे कैसे, आप पेरेंट्स हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए. तो नहीं, मतलब बहुत क्लियर था मामला कि मतलब मेरे मन का आप करोगे तो मैं साथ में हूँ, अपने मन का करोगे तो आप. वैसा था मामला, तो इस तरह का कुछ था, हमारे घर में माहौल भी था वैसा. तो वहां से एक जर्नी शुरू हुई, फिर कैसे ट्यूशन पढ़ाया मैंने, कुछ पैसे वगैरह ट्यूशन के थ्रू कमाने के शुरू किया, कहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या हो. फिर वहां से दिल्ली गया, दिल्ली में अरविंद गौर की, वहाँ पे एक ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है वहाँ पे, अस्मिता थिएटर दिल्ली में. वहाँ प्रॉपर एक एक्टिंग की ग्रामर मुझे समझ में आया कि एक्टिंग क्या है, थिएटर क्या है. वहां से फिर मुंबई काफी टाइम, बहुत साल कोशिश करने के बाद फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बड़ी फिल्म मिली मुझे, जिसमें काफी पॉपुलर कैरेक्टर है मेरा जेपी सिंह, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो वो बेटा मैं ही हूँ. और आज भी मीम्स में टॉप पे चलता है वो. करेक्ट करेक्ट. एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो ऑडियंस आपको देख रही है, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव वॉच्ड गैंग्स ऑफ वासेपुर. यस ऑफ कोर्स आई थॉट इवन. तो ये जर्नी रही, फिर उसके बाद थोड़े डाउनफॉल भी लाइफ में आया कि जो होना चाहिए था या जो जिस तरह के ड्रीम था कि क्या किस तरह की फिल्मों में काम करना है, वो चीजें थोड़ी सी नहीं हो पा रही थी. मतलब जो जिस तरह का काम मैं चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा, और जिस तरह के काम मुझे उस समय ऑफर हो रहे थे वो मुझे करना नहीं था, ऐसा था वहाँ. फाइनली एक लंबा, फिर से एक लंबी जर्नी गई स्ट्रगल की, मतलब वर्क के लिए नहीं था, ड्रीम चेज करने वाली बात थी. Got it. तो फाइनली फिर शेरनी है, मेरी एक फिल्म आई थी दो साल पहले, विद्या बालन वाली, विद्या बालन की एक फिल्म है शेरनी. सो आई डिड वन ऑफ द लीड कैरेक्टर इन दैट मूवी. आई थिंक ग्रहण आया था मेरा. यू आर एज वन ऑफ एस पी के, राइट, अलोंग विद विद्या बालन. यस पी के वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन दैट मूवी. करेक्ट करेक्ट. उसके बाद फिर एक अच्छी शुरुआत फिर से मुझे मिली, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मेरा डाउनफॉल हुआ, तो मुझे उसी लेवल पे वापस रिबैक करना था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो शेरनी इज द राइट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक अमित मासूरकर वाज अ डायरेक्टर, जिन्होंने न्यूटन फिल्म बनाई थी जो इंडिया ऑस्कर के लिए गई थी फिल्म. तो अमित मासूरकर, विद्या बालन, इट्स अ बिग फिल्म, तो वो मेरा एक री एंट्री हुआ उस फिल्म से. ओके. बट फिर भी जो एक कहते हैं ना मैजिक होना, कि नोटिस उस तरह से मैं चीजें नहीं हो पा रही थी. बहुत सारी मेरी फिल्म, लव ऑल आई, दिल्ली दूर नहीं आई, गर्मी सीरीज आई, पिछले साल काफी मेरे आए, बहुत सारे दिल्ली दूर नहीं. यस, बट भक्षक ने मैजिक कर दिया. हाँ,
अक्षक बहुत ही कंटेंट अच्छी है इस फिल्म की, लोगों ने काफी पसंद किया उस फिल्म को. यस एंड आई थिंक ट्रेंड भी हो रही है नेटफ्लिक्स पे, वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 में. हां या या स्टिल रनिंग इन टॉप 3rd इन टॉप 3 इन नेटफ्लिक्स. फोर्थ वीक इज गोइंग ऑन. करेक्ट. सो भक्तक ने एक अच्छा मैजिक किया और एज ए सोनू मेरे परफॉर्मेंस को काफी अप्रिसिएशन मिला. और एक जो मुझे किक चाहिए था, जिसका वेट कर रहा था कि किक हो कि कुछ लाइफ में एक स्टेप हम आगे जाएं, तो वो सोनू ने किया. और एज ए लीड अब मुझे कास्ट मैं होने लगा फिल्म. That is a great congratulations yeah. and a lot of love being shown yeah. by all the audience here. सब आपको congratulations wish कर रहे हैं. आपको बोल रहे हैं कि thank you so much. Sathyakam sir, we are a huge fan from Champaran, and I am writer director. We'll meet you soon. So lot of love coming in from the audience, Sathyakam ji. I'm so glad that you could make it today despite your busy schedules and shooting. And one thing that I would like to mention here, matlab jo aap bol rahe hain, the kick that you got, and I'm so happy to mention that this happened through a social impact film, right? So you've always used cinema as a tool for social change. So now that Bhakshak is out and your other movies are upcoming, would you like to share a bit more on how films can be a tool of social change? Related to Bhakshak. Related to Bhakshak and related to the other films as well. Like, how can films be a tool? Because you've also worked with films with social messages, right? Yeah. Not necessary. I'm not doing all films related to social issues and all. There are a lot of other contents there. Kuch comedy bhi hai, kuch ek पेट्रोटिक मूवी है. ओके ऐसा कुछ नहीं है क्या पेट्रोटिक? या अपकमिंग फिल्म है. यस सर. बट इन पर्सनल लाइफ आई एम इनटू सोशल एक्टिविटीज, सोशल वर्क. ओके लाइक आप बता सकते हैं थोड़े, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर अ पार्ट ऑफ? एक्चुअली मैंने बिगनिंग शुरू की कि मेरी मदर लैंग्वेज भोजपुरी है. ओके और भोजपुरी का जो एक इमेज है पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो भोजपुरी फिल्म्स और जो करंट भोजपुरी सॉन्ग्स है उसकी वजह से उसका बहुत ही एक गंदा इंपैक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कि बिकॉज़ दे आर नॉट मेकिंग गुड सॉन्ग मूवीज कंटेंट. आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दैट प्लेस, सो आई एम आल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम प्लेस. तो आई नो कि यही हमारा कल्चर नहीं जो अभी भोजपुरी फिल्मों में दिखी जा रही है. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स लाइक अ रिटर्न गिफ्ट टू आवर सोसाइटी, आवर पीपल, आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, कि मुझे जो एक अच्छा रूप है, जो गुड एंड द रियल फेस है भोजपुरी की हमारी, वो भी मुझे दिखाना चाहिए. मुझे ऐसा लगा कि जहां उस तो मैंने ये सोचा कि मुझे जो समझ में आई कि फिल्म और गाने ने, सॉन्ग्स एंड फिल्म्स ने, भोजपुरी सॉन्ग्स एंड भोजपुरी फिल्म्स ने ये जो इमेज खराब किया है, तो फिल्म्स और सॉन्ग से ही गुड इमेज भी क्रिएट करेगा. एब्सोल्युटली सही बात बोले आप. या और मैं फिल्म से ही जुड़ा हूँ, और फिल्म से बड़ा इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम कुछ है नहीं. बहुत सही बात है. तो क्यों ना एक ऐसी शुरुआत की जाए जहाँ पे अच्छी भोजपुरी फिल्म, जो गुड हमारा कल्चर है, बहुत ही रिच कल्चर है हमारा, हमारे जो मैनरिज्म है, जो ट्रेडिशंस है, तो उसपे मैं अपनी फिल्म बनाने की कोशिश करूं. और ये भी फिल्म लोगों तक जाएंगी तो लोगों को लगेगा कि नहीं भोजपुरी या भोजपुरी स्पीकिंग पर्सन एंड दैट पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम दैट प्लेस, ऐसे नहीं है जो फिल्मों में दिखते. करेक्ट. तो उसके लिए फिर मैंने शुरू किया. हो गया है लोग के माइंड में कि भोजपुरी है तो भोजपुरी गाने को एक तरफ से देखा जाता है, भोजपुरी फिल्म्स को एक तरीके से देखा जाता है. सो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव इज व्हाट यू आर लुकिंग टू चेंज दैट. बिकॉज़ मार्केट में आ भी वही रहा है ना. एग्जैक्टली. तो अच्छी चीजें जो भोजपुरी की, जो अच्छे सॉन्ग्स है या अच्छे फिल्में है, वो बन नहीं रही है, लोग बना नहीं रहे हैं. तो वो मुझे लगा कि इसको करना पड़ेगा और मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि फिल्म बनाएगा कौन, क्योंकि मैं तो एक्टिंग करूंगा या सारा कुछ छोड़ के फिल्म तो बनाऊंगा नहीं.
करेक्ट. तो वी नीड अ मेकर्स, मुझे लगा कि वी नीड अ मेकर्स फॉर मेक अ फिल्म. तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, सिनेमा की खेती, द फार्मिंग ऑफ फिल्म. ओके ओके. और मुझे ये लगा कि उन जो मतलब जो फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, जो फिल्म करना चाहते हैं, और उन्हें ये पता है कि वो फिल्म तक कभी आ नहीं पाएंगे और ना फिल्म उन तक पहुंच पाएगी. ओके. तो मैं एक ब्रिज ब्रिज बनूंगा मैं दोनों के बीच में. ओके. और मैं पिछले 7 इयर्स से ये कर रहा हूं, और अभी 56 लड़के मैं कहूंगा जो पहले सिनेमा का सीन नहीं जानते थे, ओके, आज आज के डेट में शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और अवार्ड्स ले रहे हैं. ओ वाओ, दिस इज सच बिग न्यूज. इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन, इट्स लाइक अ व्हाट. Absolutely. तो अभी 56 is huge again. 56 number. Yeah, yeah. 56. और मतलब जहां तक मुझे फिल्म का नॉलेज है, कि मुझे इस फिल्म के अब तक की मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में, मुझे लगता है कि एक साल के बाद ये लोग फिल्म को समझने लगेंगे कि व्हाट इज अ फिल्म. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तब 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 ये फिल्म बनाएंगे. और इनसे मेरी एक ऐसे ही पर्सनल डील है कि आपको जिस लैंग्वेज में फिल्म बनानी आप बनाओ, नो प्रॉब्लम. मैंने आपको ट्रेन किया, आपको डायरेक्टर बनाया, आपको फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट मैंने बताया कि कैसे फिल्म मेकिंग क्राफ्ट, व्हाट इज द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. तो एक फिल्म आपको एवरी ईयर भोजपुरी में भी बनानी होगी. ओके. और या और जिसका जिसका कंटेंट यूनिवर्सल हो, कंटेंट करेक्ट, और जिसकी लैंग्वेज से भोजपुरी. या या. और बिकॉज जैसे जिन जिस जिस लेवल की फिल्मों मैं काम कर रहा हूँ, मैं अनुराग कश्यप के साथ काम करता हूँ, मैं अमित मासूरकर या बक्षक जैसी फिल्म में काम कर रहा हूँ, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दैट स्कूल. आई नो द, तो मैं अपनी ही तरह की फिल्मों की बात उनसे करूंगा जो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, जो इंटरनेशनली अप्रिशिएट हो, सिर्फ उसकी लैंग्वेज भोजपुरी. तो यहाँ से मेरी बिगनिंग हुई. तो यहाँ से मैं क्या हुआ, सोसाइटी को कनेक्ट हुआ. करेक्ट. और सोसाइटी में जब गया तो वहां वहां मैंने पर्सनली देखा बहुत तरह की चीजों की जरूरत हुई वहां. मतलब लोग मिलते गए, एजुकेशन से जुड़े हुए चाहिए होता है, वाटर नहीं है, फूड की प्रॉब्लम है, पचासों तरह की. जब सोसाइटी में आप सोशल वर्क से आप खुद जुड़े हुए हो, आप सोशल वर्क से जब जाते हो तो लगता है कि कितनी चीजें हैं जो डिस्कनेक्टेड है. तो आप जैसे हम लोग ना फिल्मों में बचपन से एक लाइन सुनते आए हैं, पुरानी फिल्मों में बड़े लाइन होते थे कि जुर्म की दुनिया में आप अपने अपने मन से जाते हैं लेकिन आप बाहर अपने मन से नहीं निकल सकते, बड़ा सा गुंडा एक बोलता था ऐसा. मुझे लगता है सोशल वर्क भी वैसा ही है. एक बार आप सोशल वर्क में जाएंगे, अगर आप गुड कंसर्न है आपके सोशल वर्क में, एक बार आप कनेक्ट हो जाओगे आप, तो निकल नहीं पाता इंसान. करेक्ट. इतनी इंग्लिश हो जाता है. हाँ, मतलब आप अगर आप जा रहे हो, किसी ने कहा कि मुझे बुक्स चाहिए मेरे पास, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप कैसे छोड़ सकते हो उसको. करेक्ट करेक्ट. किसी ने बोला कि मुझे खाना चाहिए, मैंने खाया नहीं 2 दिन से, तो आपको आप नहीं छोड़ सकते, आपको लगेगा कुछ तो करना चाहिए यार, कुछ तो करना चाहिए. तो होते होते सोशली बहुत तरह की चीजों से मैं कनेक्टेड हूँ, कई सारे ऑलमोस्ट सोसाइटी में जितने भी तरह के चीजें हैं, 60 सिटीज में मैं कनेक्टेड हूँ. और रोटी बैंक है, एजुकेशन है, लाइब्रेरी है, बहुत सारे लाइब्रेरी हम लोगों ने गांव में ओपन कर दिया जहाँ स्कूल्स भी नहीं है. ब्लड बैंक है, एजुकेशन का है, सोसाइटी का है, बहुत सारे हमारे 3-4 ग्रुप्स हैं जिसका मैं मोटिवेटर हूँ. एक्चुअली मैं इन लोगों का एक तरह से गाइड करते रहता हूँ, पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होता. जहाँ ये लोग प्रॉब्लम्स इनको आती है फिर मुझसे कॉन्टेक्ट होता है, फिर मैं उनको अपनी तरफ से कुछ सजेशन देता हूँ, चीजें होती है सारा ऐसे. एक एक but एक कहते हैं ना वो बड़े भाई. बोलिए. तो सपोर्ट करता हूँ. जैसे नहीं होता, नया लड़का कोई चाहता है कि मैं कुछ सोशल वर्क करूँ, तो उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती, क्या सोशल वर्क करना या क्या तुम करोगे, कोई सपोर्ट करता नहीं बिगनिंग में. या फिर उस जो वो अपनी बातें रखना चाहता है, सोसाइटी को कहना चाहता है,
तो चूंकि वो बच्चा है सोसाइटी का है तो उसको वैल्यूज नहीं मिलते उसकी बातों की, तो वैसे लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, मैं ढूंढता हूँ तो फिर मैं एक वीडियो बना के देता हूँ उनको, तो आसपास के जो भी लोग होते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले जेपी सिंह है। तो सडनली क्या होता है कि उनकी थॉट्स में चेंजेस आ जाता है और वो बच्चे को ना सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके इस तरह से तो इस तरह से मैं बहुत 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 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे उस लायक हूँ कि मैं शायद मेरे छोटे से कोशिश से किसी का कुछ फायदा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल होगा सत्यकाम जी। और अभी इस इंटरव्यू के दौरान मुझे ये पता चला, मतलब यू बीइंग अ वर्सेटाइल एक्टर यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल, तो कितने सारे मतलब बोलते हैं ना देयर आर सो मेनी फेदर्स इन द कैप, सो आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ मोर फेदर्स टू योर कैप एंड वी जस्ट नो अ बिट अबाउट यू। और मैं एक चीज बहुत टेक्निकल अच्छी चीज बताऊंगा, बहुत सारे एक्टर्स मे भी सुन रहे होंगे या जो भी होंगे यहाँ पे, मे अगर कोई किसी को एक्टिंग से इंटरेस्ट भी होगा, ये जो सोसाइटी में मैं 6 साल से इन्वॉल्व हूँ, सोसाइटीज में हमारे इतने कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को मैं पोर्ट्रे करता हूँ ऑन स्क्रीन, तो ये दोनों अलग बिल्कुल नहीं है। नहीं है। जैसे सोनू का जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, तो एक एक्टर का जो बेसिक होता है हमें बताया जाता है कि 3 पॉइंट होने चाहिए होते हैं, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऑब्जर्व करता है लोग नेट के थ्रू या कहीं कोई चला जाता है कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना। मैं सोसाइटी में 7 साल से उस कैरेक्टर के साथ चैटिंग कर रहा हूँ, डायलॉगबाजी कर रहा हूँ, बैठ मिल रहा हूँ उनको, मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। तो उसका एग्जांपल ये है कि जैसे सोनू जो मेरा कैरेक्टर है बक्षक में, अब मुझे उस पर कुछ इमेजिन नहीं करना है, मुझे ऑब्जर्व नहीं करना है, मैं वैसे रियल कितने सोनू से मिल चुका हूँ। एग्जैक्टली। मैं उनको देख चुका हूँ, उनको ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तो उसमें से मैंने एक सोनू को पिक करके बक्षक में पोर्ट्रे कर दिया। तो दैट्स वंडरफुल। तो ये हमारे सोसाइटी में ही हमारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमको पिक करना होता है एज एन एक्टर। तो ये एक मुझे लगा कि टेक्निकल बात मैं शेयर करता चलूं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉर दैट मैटर उसके लिए आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार फ्रॉम द ऑडियंस, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं सत्यकाम जी। लॉट ऑफ थोड़े डायरेक्टर्स भी हैं जो ऑडियंस में है, तो वो लोग भी आपको विश कर रहे हैं एंड कीपिंग इन व्यू टाइम एज यू सेड दैट यू आर इन मिडल ऑफ अ शूट। तो मुझे ये पूछना था आखिरी में कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे और भक्षक में इट इज ऑल अबाउट यू नो हाउ गर्ल्स आर बीइंग मिसट्रीटेड एंड हाउ इट इज, तो व्हाट डू यू थिंक यू नो इज द फ्यूचर, मतलब अभी अब मूवीज के दौरान एंड वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ कैन वी कनेक्ट दीज टू? मुझे लगता है कि जैसे आज मैं एक बहुत मतलब आज वुमेन्स डे है और मैं उस फिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें जितने भी गलत काम किया है हम लोगों ने ऑन स्क्रीन किया है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं बीइंग अ पार्ट ऑफ भक्षक, ये हम लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन जरूर है आज वुमेन्स डे पे कि भक्षक को आप अगर कोई भी देख रही है फिल्म, इतने लोग देख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, कहीं ना कहीं हम एक बूस्टअप तो दे रहे हैं, हम एक 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 कहते हैं ना फोर्स दे रहे हैं, हम एक कहीं ना कहीं उनको तो ये कि हमारा कंट्रीब्यूशन फिल्म के थ्रू है, भक्षक के थ्रू आज के दिन। और बाकी पर्सनल लाइफ में आज के दिन के लिए जो मुझे करना था, नॉर्मली जितने भी मेरे सर्कल में मेल्स ऑल लेडी हैं उनको एक अच्छे से विश करना, उनको कंफर्ट जोन में ले जाना और उनको ये कहना कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, इस तरह के पर्सनल लेवल पे, बिकॉज शूट में मैं बिजी था तो ये ड्यूटी मैंने बिल्कुल आज किया। उनको ये बताया कि आप शक्ति हो, जैसे हमारे आज शिव महाशिवरात्रि भी है, तो थोड़ा सा मुझे इसका भी एक नॉलेज है, जैसे हम लोग शिव और शक्ति की बात करते हैं, शिव शक्ति, लेकिन लिखते हैं हम लोग शिव शक्ति, जो मैंने पढ़ा है और पढ़ा है अच्छे लोगों के, बहुत जानकार लोग हैं, उनकी चीजें पढ़ी है मैंने, अध्यात्म की बात थोड़ा सा कर रहा था,
तो एक्चुअली फंक्शन जो करता है वो शक्ति का पहले स्थान होता है, शिव का बाद में होता करेक्ट है। मतलब करेक्ट करेक्ट शक्ति के बिना शिव का कोई महत्व नहीं है। करेक्ट जो फंक्शन है, जो हमारा यूनिवर्स या साइंस की बात करें कि कैसे वेद हुआ, वेद से क्या हुआ, शक्ति कौन है, शिव कौन है, तो आज ये भी मैंने अपने लेवल पे जितने भी मेरे जिनको मैं अपनी तरफ से बात कर सकता था उनके बताया कि आप शक्ति हो, आप हो तो ही सब कुछ है। करेक्ट एब्सोल्युटली तो इन चीजों को रिमाइंड कराना भी मुझे लगता है कि बहुत एक गुड बहुत जेस्चर है, जरूरी एक गुड है. यस कंट्रीब्यूशन है। यस यस व्हाई तो नॉट. यस, तो एब्सोल्युटली. या तो यहाँ भी जो लोग हैं मैं उनसे ये भी कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक लाइन मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि नारी सम्मान ही शिव प्राप्ति है। मतलब शिव की जाके पूजा कर रहे हैं, उनके लिए दिन भर हम भूखे रह रहे हैं और उनके लिए हम अगरबत्ती और सब कुछ कर रहे हैं, वो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। करेक्ट. लेकिन अगर किसी भी फीमेल को हम दिल से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, यस उनको एहसास दिला रहे हैं कि यस आपको मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ, तो भी शिव मिल जाएंगे आपको, एब्सोल्युटली. ये मैं बहुत कहना बहुत ही चाहता अच्छी बात बोले हैं सत्यकांत जी. दिस इज सो हूँ। इंस्पायरिंग. एंड बहुत बहुत और लोग, शिव ऐसे बहुत ही मिलते ऑडियंस. हैं। अगर आप बहुत डिटेल्स में हम जाते हैं तो जो लोग जानकार लोग हैं वो कहते हैं शिव ऐसे ही मिलते हैं, वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं पता, लेकिन हाँ बिल्कुल. शक्ति का सम्मान होगा, आप शक्ति का रेस्पेक्ट जो इंसान करता है शिव उसके पास होता है या उसी के एब्सोल्युटली. पास एंड आता है, आई ऐसा कहते हैं। तो यस हमें यस मतलब समझदार व्यक्ति बन के, मतलब इस लेवल पे मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि इसे इमोशनली, एक इंटेलिजेंट और समझदार आदमी बन के हमको फीमेल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें बिल्कुल लॉस नहीं होता है, गेन ही गेन है, हर तरह की चीजें हमें फायदा ही फायदा होता है, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल मैं आज कहना एब्सोल्युटली. चाहूंगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस. मतलब एज वी कम टू द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, मतलब आज महाशिवरात्रि है, व्हिच यू नो इज ऑब्जर्व्ड एज वेयर शिव, यू नो, लॉर्ड शिव इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस एंड इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट. एंड वाइल ऑन द अदर हैंड हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेयर अगेन वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन एंड एम्पावरिंग देम ऑल अराउंड. एंड उसी दौरान में आज हमारी इंटरव्यू आपसे हो रही है, जो वेयर यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर एंड वर्किंग अगेंस्ट सो मेनी गुड सोशल कॉजेस. सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट डे टू कीप एवरीथिंग टुगेदर. एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीथिंग हैज कम ऑन ट्रैक. सो रियली ग्लैड टू होस्ट यू टुडे सत्यकांत जी. आप कुछ बोलना चाहेंगे और? मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे वर्क हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं, जुड़ना चाहिए ऐसे लोगों से, और जब भी कुछ हो तो जुड़े। और मुझसे जो लोग भी सिनेमा से जुड़ी चीज, जो मैंने सिनेमा की खेती की बात की और हाँ 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 या इस तरह के इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे अगर इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग से या फिल्म में, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ गाइडलाइन नहीं समझ में आ रहा है, कोई दूर दूर तो ऐसा नहीं दिख रहा है यार कि ना मेरा कोई जानने वाला है ना पहचानने वाला है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मैसेंजर में, मैसेज में आप कर सकते हैं कांटेक्ट मुझसे। 110% गाइडलाइन की गारंटी मैं देता हूँ, बाकी चीज की गारंटी नहीं दे पाऊंगा। मैं गाइडलाइन जरूर दूंगा कि व्हाट इज द सिस्टम, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है और कैसे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी यही काम कर रहा हूँ, सिनेमा की खेती नाम से कर रहा हूँ, तो इसमें से भी कोई जुड़े हुए लोग हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस लेकिन कंडीशन यही होगी कि फिल्म मेकिंग में हम लोग जो भी करें, अब जो जो भी कंटेंट पे हम लोग को बनानी है आप लोग बनाएं, लेकिन एक मेरी तरफ से जरूरी ये होगी, रिक्वेस्ट होगी जिसको मैं सपोर्ट करूंगा, कि हमें सोशल इश्यूज पे भी फिल्म बनानी चाहिए, हमें अपने लैंग्वेज में भी, किसी भी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में फिल्म बनानी चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट होगा। तो कनेक्ट हो आई एम श्योर. आई एम श्योर वैसे लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड सत्यकांत जी. बहुत लोग जुड़ेंगे
एंड हम यही कामना करते हैं कि लाइक माइंडेड लोग आपसे जुड़े और हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज और सीरीज जैसे आपने मेंशन किया आगे आने वाली है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ भोजपुरी फिल्म्स एंड म्यूजिक. सो यस, तो इसी मुकाम पे आई वुड लाइक टू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर टाइम एंड आई वुड लाइक टू विश यू द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवियर्स. एंड थैंक यू आगे सो मच, थैंक यू सो मच, आगे थैंक यू हम सो मच. जैसे आपकी और मूवीज आएंगी हम और बात करेंगे इसके ऊपर. यस और यस थैंक यू सो यस मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड टू ऑल द ऑडियंस आउट देयर, थैंक्स फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस. आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट यस वी विल डेफिनेटली टेक इट वेरी सून. या सो थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू सो मी, मच रेशमा. माय प्लेजर, माय प्लेजर सत्यकांत जी. थैंक यू. We enjoyed the session and I hope you too enjoyed it.